हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट बर्ड। आज मैं आपको घर पे मार्केट जैसा रवा ढोकला बनाना बताऊंगी कि आप जो बाहर से मार्केट से पैकेट लेते हैं रवा ढोकले का, वो मैं आपको घर पे ही घर के ही चीजों से बनाना सिखाऊंगी। ये सूजी का बना हुआ है रवा ढोकला और ये बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, मार्केट से ज्यादा अच्छा होता है। और आपको अपने हिसाब से, अपने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो चलते बनाते हैं रवा ढोकला। आज हम रवा ढोकले के लिए हमने एक कप सूजी ली है। आप एक गिलास में भी मेजर कर सकते हैं। जिस गिलास से आप मेजर करेंगे सूजी, उतनी ही आपको दही, ये खट्टी दही है, खट्टी दही आपको लेनी होगी। अगर आपके पास खट्टी दही नहीं है, आप उसको एक घंटा बाहर रख दीजिए, उसमें खटास आ जाएगी। और हमने एक चम्मच अदरक और मिर्च का पेस्ट लिया है, चीनी और नमक स्वाद के अनुसार, और हमारा एक नींबू। तो सबसे पहले हमने एक बड़े बर्तन में सूजी को हम डाल के, और हम जार में हम ये हमने जो एक कप कटोरी दही ली थी उसको हम इसको मिक्स करेंगे। और इसमें अगर पानी की जरूरत है तो थोड़ा हम इसमें पानी भी मिलाएंगे। हमें लग रहा है कि इसमें पानी की जरूरत है तो हम इसमें पानी थोड़ा मिलाएंगे। एक पतला बैटर हम बनाएंगे, बहुत हमें थिक नहीं चाहिए। ये देखिए हमारा ये थिक है, थोड़ा भी और ये फूलेगा तो पहले हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे। हम इसमें शुगर मिलाएंगे। हम शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिला सकते हैं, हमने एक चम्मच मिलाया है। बहुत से लोगों को कम चीनी का पसंद आता है तो इसलिए कम, तो हमने मीडियम मिलाया है। हम इसको अच्छे से फेंट देंगे और फिर इसके बाद हम नमक का यूज करेंगे। नमक भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें हमें पानी की थोड़ी और जरूरत है, हम मिला देंगे। देखिए अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट की कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी होनी चाहिए। अब हम कढ़ाई पे पानी गर्म करेंगे। हमें उतना पानी लेना है जितना आपका स्टैंड डूब जाए। देखिए ये हमारा स्टैंड पानी में डूब गया है। अब हम इसको रीहीट करेंगे अच्छे से, और जब तक पानी में बॉईल आ जाए तब तक हम इसको उबालेंगे। इसको हम ढक के रख रहे हैं जिससे कि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। और देखिए इसमें उबाल आ गया है। हम एक बर्तन मैंने ये लिया है, स्टील का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जैसे हम केक टीन में करते हैं ग्रीस चारों तरफ, उसी तरह हमें करना है इसमें ग्रीस। ये हमारा ग्रीस हो गया है। अब हम एक चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। अब ये देखिए अब हम इसमें इनो मिलाएंगे। इनो तभी हम मिलाएंगे जब आपका पानी अच्छे से बॉइल्ड हो जाए, क्योंकि ये इनो हम पहले मिला देंगे तो ये हमारा जो बैटर है वो फूलेगा नहीं। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये फूलने का, देखिए इनो मैंने डाला। अब हम इसको तुरंत ही इस टीन में डाल देंगे, इस बर्तन में। तो हम दो बार टैप करके अब हम रखेंगे। अब हम इसको ढक देंगे। 30 मिनट्स के लिए हम इसको ढक के रखेंगे। हमारी फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। हमारा तैयार हो गया है। अब इसको नाइफ की हेल्प से, हमारा ये देखिए नाइफ एकदम क्लीन आया है, इसका मतलब ये हमारा रेडी हो गया है। इसकी प्रोसेस पूरी केक की तरह होती है। अब ये थोड़ा ठंडा होने के लिए हम रख रहे हैं इसको, और फिर हम इसको कट करेंगे। हम इसको स्क्वायर शेप में कट करेंगे। हम
हम आपको एक निकाल के दिखाते हैं। देखिए हमारा कितना स्पॉन्जी, कितना बढ़िया बना है। अब हम इसमें तड़के की तैयारी करेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, अभी थोड़ा गर्म हो जाए। वन टीस्पून हमारा ये राई रहेगी, जैसे ही कड़केगी उसके बाद हम इसकी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें 1 चुटकी हींग डाला है हमने, और हमारी ये हमने मिर्च काटी है लंबे लंबे, इसको हम डाल देंगे और फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसमें अब मीठी नीम को डाल के अच्छे से हम चलाएंगे, ऐसे ही ला देंगे जिससे कि सब हो जाए। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, और इसमें जो हमारी जो चीनी बच गई थी 1 चम्मच, वो हम चीनी इसमें ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करके तैयार करेंगे। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको मैंने बताया। और ये हमारा एक बॉईल आ जाए तो हम इसको बंद करेंगे। ये हमारा सिरप तैयार है, और इतना ध्यान रखिएगा कि हमारी जो इसमें मैंने चीनी डाली है वो मिक्स हो जाए, गल जाए। तो हम इसको अपने ढोकले में डालेंगे। इसमें 1 चम्मच हम नींबू का रस डाल के इसको मिलाएंगे, और हम इसमें अब डालेंगे। अच्छे से इसको इस सिरप से हम फिल करेंगे, जिससे कि अंदर तक, ढोकले के अंदर तक ये पहुंच जाए और थोड़ा और स्पॉन्जी हो जाए। ये देखिए हमारा ये डल गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे। ये बनके तैयार है हमारा रवा ढोकला। ये देखिए हम आपकी इसकी स्मूथनेस, इसकी सॉफ्टनेस दिखाते हैं। ये कितना सॉफ्ट है ये, और ये देखिए कितना थिक है बना है ये, इसकी चौड़ाई कितनी अच्छी आई है। और ये बहुत ही सॉफ्ट है खाने में, और बहुत ही मिनटों में, आधे घंटे में ही बन जाता है। कोई मेहमान आए तो आप सोचिए मत, इसको झट से बना दीजिए। आपके पास ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं है, और ये जल्दी से बन जाता है। तो होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। Thank you.